असलम एवरी वन वेलकम टू माई YouTube चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी चाट की रेसिपी शेयर करूँगी ये बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही ईजीली तैयार होने वाली है सो so, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा मैक्रोनी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वन कप बॉयल मेक्रोनीज लिए हैं इसको मैं एक मिक्सिंग बोल में ऐड कर रही हूँ इसके साथ मैंने यहाँ पे बॉयल चिक पीस लिए हैं जो कि एक कप से थोड़े से कम हैं इसके बाद मैं मिक्सिंग बोल में ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ का पोटैटो जो कि स्मॉल क्यूब्स में कट है और बॉइल्ड है इसको ऐड करने के बाद मैं इस बोल में ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की अनियन जो कि बहुत ही फाइनली चॉप है अनियन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके साथ मैं यहाँ पे थ्री टू फोर ग्रीन चिलीज़ और थ्री टू फोर टेबल स्पून कॉरियडर लीवस ऐड कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी फाइन चॉप्ट हैं अगर आपको मिर्चें ज़्यादा नहीं पसंद तो आप ग्रीन चिलीज़ को कम कर सकते हैं और कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे फिर हम इसके लिए एक ड्रेसिंग तैयार करेंगे यहाँ पे मैंने वन कप बीटिन योगर्ट लिया है इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि हमारी चाट में किसी भी चीज़ में सॉल्ट नहीं है इसके साथ मैं हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला ऐड करूँगी इसके साथ मैं यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून से थोड़े ज़्यादा रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी चाट मसाला रेड चिली फ्लेक्स आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद मैं यहाँ पे दो टेबलस्पून केचप ऐड करूँगी मैंने यहाँ पे वन टेबलस्पून इमली का पल्प भी ऐड किया है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से योगर्ट में मिक्स कर लेंगे आप तैयार की हुई योगर्ट को ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि योगर्ट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अब यकजान हो जाएं इस मैक्रोनी चाट को ठंडा करके सर्व कीजिएगा ये बहुत ही मज़ेदार होती है हमारी मैक्रोनी चाट तैयार है और आप देख सकते हैं ये कितनी डिलीशियस लग रही है इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अल्लाह हाफिज़